जावेद मियां काफी बड़ा कैरेक्टर है भाई ये। जावेद भाई का अपना ओपिनियन है, वो अपनी जगह है, ठीक है। इफ ही फील्स के इंडिया के आने से फर्क नहीं पड़ेगा एशिया कप में, तो ओके दैट्स हिज ओपिनियन, बट ही शुड बी वेरी केयरफुल विद द लैंग्वेज ही यूजेस। वो हमसे क्रिकेट खेलने में डरते हैं और वो ना है बाढ़ में जाए। देखे ये सुन के ना मैंने तो बहुत ज्यादा ना मुझे बुरा लगा और मुझे ना अजीब सा फील हुआ कि यार ये पाकिस्तान के क्रिकेटर क्यों नहीं मैच्योर हो पा रहे, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्यों नहीं अपने आप को इंसान का बच्चा तस्लीम कर बना रहे। मतलब बच्चों वाली हरकतें, बच्चों वाले स्टेटमेंट, यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पानी ले के उसमें डूब के मर जाओ यार। कभी आपने देखा कि इंडिया के किसी क्रिकेटर ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया हो, इंडिया किसी जो है वो पॉलिटिशियन ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया हो? आपने कभी देखा है कि जिसको कहते हैं कि कोई और क्रिकेटर ने ऐसे कोई खतरनाक अल्फाज यूज किए? जावेद मियां जिसको कहते हैं थोड़े ओपन माइंडेड है, वो जिसको कहते हैं रुकते नहीं है, वो बोल देते होते हैं लेकिन फिर भी समझते थोड़े हार्श वर्ड्स है, क्योंकि एक तरफ कोशिश सबकी यही है कि इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो राइवलरी है वो दोबारा से बहाल हो, सीरीज इनकी आपस में शुरू हो, मैचेस हो, इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान इंडिया जाके क्रिकेट खेले, ये उम्मीद रखे। दूसरी तरफ अगर ऐसी बातें आएंगी ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जावेद मियां बोल रहा है हमें भी नहीं जाना चाहिए, वो हमसे हारने से डरते हैं। भाई हम जब से पाकिस्तान खत्म किए जितने भी मैच हुए, दो मैच छोड़कर बाकी हम सारे आ रहे हैं अपने घरों में, सारे आ रहे हैं मैच भाई, वो ऐसे हमें हम तो इंडिया हमेशा मैच में हार जाते हैं, ये कैसी बात हुई, हमेशा कप में हारते रहे भाई। दो मैचों को छोड़कर इंडिया ने हमें हर जगह पे हराया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदी में एक कहावत है, नमक स्वादानुसार और बातें औकात अनुसार। तो ये जावेद मियां को फिट नहीं बचते, क्योंकि ये जो जावेद मियां है अपनी जहरीली जुबान से बेतुकी बातें बोलता रहता है, घटिया बयानात भारत के खिलाफ हमेशा देता रहता है। जैसे कि ये कोई जो मस्जिद का मौलाना हो, इस तरह का बयान देता रहता है, इस तरह का हेट्रेड वो इसके अपने अंदर पाला है इंडिया के खिलाफ। पता नहीं भाई इंडिया ने इसका क्या खा लिया था, हालांकि बरसों से आप इंडिया के पैसों मतलब ये से चल रहे हो, आशीर्वाद से चल रहे हो, लेकिन आप इंडिया की तरफ बोल रहे हो भाई। आपका जो पीसीबी है वो तो आधा पैसा लेके बैठा है, मतलब जो उसका आधा पैसा जाता है वो तो बीसीसीआई से जाता है, ये अपने बाप को पूछ लीजिए, पीसीबी जो बोर्ड है। लेकिन ये आप नहीं बोल पाएंगे, इंडिया बाहर में जाए, इंडिया एए में जाए, क्या हुआ आपके? पाकिस्तान मीडिया ने आपको आज अपना औकात बता दिया है, पाकिस्तान मीडिया ने आपको घटिया बोल दिया है। तो जैसे कि आपने इंटरव्यू का वीडियो देखते हैं, पाकिस्तान मीडिया ने आज इसकी जमकर लिया है। मजे लीजिए वीडियो का, मैं मिलता हूं आपको एंड। जावेद मियां काफी बड़ा कैरेक्टर है भाई ये, लेकिन आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड विद द सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज ही यूज्ड, यू नो, मतलब वो थोड़ा सा मुझे वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि जावेद भाई एक बहुत बड़ा नाम है, उनको बहुत ज़्यादा जो है कैसे बोलते हैं लोग बड़ा पॉपुलर फिगर है जावेद भाई, जब वो खेलते भी थे और खेलने के बाद भी आप तकरीबन पूरी क्रिकेट वर्ल्ड में, एंड आई थिंक ही शुड वेरी मतलब बींग अ सीनियर स्टेट्समैन, सीनियर क्रिकेट एम्बेसडर, ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सच लैंग्वेज, सच क्रूड लैंग्वेज। ये कहना कि जी भाड़ में जाए इंडिया या टू हेल विथ इंडिया, भाई ये जेब नहीं देता जावेद भाई को। ठीक है, जावेद भाई का अपना ओपिनियन है, वो अपनी जगह है, ठीक है। इफ ही फील्स के इंडिया के आने से फर्क नहीं पड़ेगा एशिया कप में, तो ओके दैट्स हिज ओपिनियन, बट ही शुड बी वेरी केयरफुल विद द लैंग्वेज ही यूजेस। बहुत सारे हमारे क्रिकेटर ऐसे हैं, साबिक क्रिकेटर ऐसे हैं, जो कि थोड़ा सा लैंग्वेज जब वो बात कर रहे होते हैं, आप द सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज दे यूज, वो भूल जाते हैं कि यार जो वो बात कर रहे हैं उसका एक बड़ा इंपैक्ट होता है, और बहुत सारे लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं उनकी बातें और उस पर वो असर लेते हैं। आज मैं देख रहा था कि जावेद भाई ने जो बातें की हैं इंडिया के हवाले से, उसका बड़ा बैकलैश आया है इंडियन मीडिया में और इंडियन मतलब इंडिया में जनरली, और काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट किया, और आना भी चाहिए बैकलैश है जब आप इस किस्म किसी भी मुल्क के बारे में बात करेंगे, तो इट डजेंट सीम राइट। अब एक बात की यार, इंडिया के आने से एशिया कप में फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता? देखिए यार, ये हमारे हाथ में फैसला नहीं है, आज हमें आई थिंक इंडिया नीड्स टू कम टू पाकिस्तान टू प्ले द एशिया कप, अब बहुत फर्क पड़ेगा उससे। ये आई नहीं अग्री, मैंने अग्री करता ज्यादा की बात से कि इंडिया के नाने से फर्क नहीं पड़ेगा एशिया कप में, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इंडिया इज द बिगेस्ट क्रिकेट मार्केट राइट नाउ, और एशिया कप की जो सारी स्पॉन्सरशिप आएगी, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह बिकेंगे, वो ज्यादातर जो स्पॉन्सर है वो इंडियन ही होंगे, सीधी सी बात है, वर्ल्ड कप में भी ऐसी होता है, तो इंडिया का ये आना बहुत जरूरी है। जावेद मियां का आपको पता होगा, जो कि पाकिस्तान के, हमारे पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने कुछ गटिया, कुछ बकवास, कुछ टट्टी किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा एशिया कप खेलने के लिए, सबको पता है, और इंडिया अपनी जगह राइट है। देखिए मैं इस बात से एग्री करता हूं, देखिए जावेद मियां पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं और उन्होंने हमेशा गटिया बातें की हैं और गटिया स्टेटमेंट देते रहे। जावेद मियां ने सारे भाईजान आप ये टट्टी स्टेटमेंट दे दी है, इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता तो जाए बाढ़ में, हम उनको उनको बुलाना भी नहीं चाहते। वो हमसे क्रिकेट खेलने में डरते हैं और वो ना है बाढ़ में जाए। देखे ये सुन के ना मैंने तो बहुत ज्यादा ना मुझे बुरा लगा और मुझे ना अजीब सा फील हुआ कि यार ये पाकिस्तान के क्रिकेटर क्यों नहीं मैच्योर हो पा रहे, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्यों नहीं अपने आप को इंसान का बच्चा तस्लीम कर बना रहे। मतलब बच्चों वाली हरकतें, बच्चों वाले स्टेटमेंट, यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। पानी ले के उसमें डूब के मर जाओ यार। कभी आपने देखा कि इंडिया के किसी क्रिकेटर ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया हो, इंडिया किसी
जो है वो पॉलिटिशियन ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया होगा यार पाकिस्तान नहीं आता बाढ़ में जाए ये जाए। देखे आप अपना आप पहचान अपनी पहचान करवाते हो इस तरह की घटिया बातें करके, शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। जुवेद मियां दाद का क्या तुक बनता है अब, अल्लाह तौबा कर यार तू किड़े कमाच पे, मतलब आप इंडिया नहीं आता तो बाढ़ में जाए, हम वैसे इंडिया के बगैर भी खेलेंगे। जब हम कहते हैं 90s में जब इंडिया हमारे साथ खेलता था तो तब इंडिया डरता था क्योंकि हम इंडिया को हराते थे, वो हमारे आगे जो है वो चुप करके खड़ा हो जाता था। यार इस ये बातें करने का तुक बनता है आपका, मतलब शर्म नहीं आती आपको? और फिर आप लोग कहते हो यार इंडिया हमारे साथ बदतमीजी करता है, वो खेलता नहीं है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर आप बात करते हो दूसरी कंट्रीज की तो दूसरी कंट्रीज ने भी बोला है ना कि हम अपनी गवर्नमेंट से मशवरा लेके आपको बात करेंगे, तो बात मान जाओ ना, क्या कीड़ा तंग कर रहा है आपको? शर्म नहीं आनी, शर्म नहीं आती आप लोगों को कि उठ के बातें करना शुरू कर देते हो? मतलब बगैरत हो चुके हो आप लोग सीधे मायने में। अगर मैं आपको बताऊं ना, जब आईसीसी को 90% पैसा ही फंडिंग ही भारत से होती है तो आईसीसी किसकी सुनेगा? सीधी सी बात है, तुम लोग जो मर्जी कर लो, आईसीसी एक तरह से समझो कि खरीदा हुआ है भारत ने, भारत के अंडर एक तरह से खरीदी की नहीं है। बात असूल की है, अगर देखा जाए, देखो क्योंकि 2018 में हम नहीं गए थे, अब वो नहीं जाएंगे। उसके अलावा भी हमारे देश की इस टाइम सिचुएशन इस किस्म की है, कौन टीम आएगी यार? कोई नहीं आएगी, हमारी सिचुएशन भी देखो सही बात, मतलब अगर देखा जाए। और दूसरी बात यार, मैं अगर एक सच्ची बात बोलू ना, जिस तरह जावेद मियांदाद जावेद मियांदाद बोल रहा है कि हमें भी नहीं जाना चाहिए, ये वो हमसे हारने से डरते हैं, भाई हम जब से पाकिस्तान आना खत्म किया जितने भी मैच हुए, दो मैच छोड़कर बाकी हम सारे आ रहे हैं अपने घरों में, हम सारे आ रहे हैं मैच भाई, वो ऐसे हम आ रहे हैं, हम तो इंडिया हमेशा मैच में हार जाते हैं, ये कैसी बात हुई? हमेशा कप में हारते रहे भाई, दो मैचों को छोड़कर इंडिया ने हमें हर जगह पे हराया। तो भाई अगर फैक्ट वाली बात करो, ऐसी बात कर रहे हैं जैसे ये 90s के दौर में जी रहे हैं अभी भी, ये 90s के दौर का हिसाब ये याद कर रहे हैं कि भाई उस तरह था, इस तरह हिसाब देखो इंडिया क्रिकेट में इतना पावरफुल कंट्री नहीं था, आज क्रिकेट का जितने देखो उनकी अभी एज है जितना वो उस तरह उनको एक्सपीरियंस, उनको ये शोभा ही नहीं देती इस तरह की बात करना यार, कम से कम वो सोच समझ कर बयान दे। देखो इंडिया ने जब एक दफा बोल दिया, और मुझे पता है देखो अगर इंडिया अगर नहीं जाएगा पाकिस्तान नहीं जाएगा ना आईसीसी पाकिस्तान को नुकसान है इंडिया को, तो मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान न जाए या ना जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, खेले ना खेले, इंडिया के साथ और टीमें इतने खेलने वाली है तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्या हो जाएगा? और ये जो बात की है ना, मतलब इतना इनका बड़ा एक मतलब बड़े क्रिकेटर है, कोई शक नहीं इसमें, मतलब वर्ल्ड कप पाकिस्तान को उन्होंने जिताया, लेकिन इस पोजीशन पर रहकर ऐसी गलत लफ्ज इस्तेमाल, कोई और भी लफ्ज हो सकते थे, ये लफ्ज जो है ये थोड़े शर्मनाक लफ्ज है, थोड़े नहीं काफी ज्यादा, किसी कंट्री को आप इस तरह बोलो कि भाड़ में जाए बहुत गंदी बात है। रिसेंटली मैं पिछले 30 दिन से मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि काफी सारा जैसे कहते हैं प्लेयर्स हमारे इंडिया का नाम यूज कर रहे हैं, आज अगर मैं बात करूँ जावेद मियांदाद जो कि लेजेंड क्रिकेटर है, बड़ी जबरदस्त उनकी क्रिकेट की जैसे कहते हैं क्लास रही है, लेकिन उन्होंने बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। इस स्टेटमेंट के बाद आप ये देखिए, आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी वहां से भी बड़े खतरनाक जवाब आने, क्यों? क्योंकि आपने बड़े हार्श वर्ड यूज किए हैं, क्यों किए हैं? क्योंकि ये इशू चल रहा था एशिया कप का, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर दे रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने कभी देखा है जिसको कहते हैं कि कोई और क्रिकेटर ने ऐसे कोई खतरनाक अल्फाज यूज किए? जावेद मियांदाद जिसको कहते हैं थोड़े ओपन माइंडेड है, वो जिसको कहते हैं रुकते नहीं है, वो बोल देते होते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ थोड़े हार्श वर्ड्स है, क्योंकि एक तरफ कोशिश सबकी यही है कि इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो राइवलरी है वो दोबारा से बहाल हो, सीरीज इनकी आपस में शुरू हो, मैचेस हो, इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान इंडिया जाके क्रिकेट खेले, ये उम्मीद रखें। दूसरी तरफ अगर ऐसी बातें आएंगी ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर जिसको कहते हैं ना वो जले पे नमक छिड़कना तेल छिड़कने वाला हिसाब हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर हर कोई जिसको कहते हैं ना कूदेगा बीच के अंदर और फिर मामला खराब हो गए, फिर उम्मीद नहीं आप कर सकते कि अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि हर कोई जिसको कहते हैं ना बातें करे, लेकिन जिसको कहते हैं एक लिमिट में रह के कोई ज्यादा खतरनाक वर्ड यूज ना हो, अगर वहां से यूज हो रहे तो वो लोग ना करें, यहां से यूज हो रहे तो ये लोग ना करें, बस बोले जिसने जो बोलना बोले, लेकिन इतने खतरनाक वर्ड यूज नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का जावेद मियांदाद की स्टेटमेंट को, हेटरेड स्टेटमेंट को लेकर क्या कहना था। तो दोस्तों जावेद मियांदाद को जो हमारे यहाँ पर कहा जाता है एक चुगलीखोर इंसान, मतलब किसी के बारे में जाके ये यहाँ वहां चुगली करना, और जब बात सामने आ जाए तो बोल देना कि भाई मेरा तो इंटेंशन वैसा नहीं था, मैं तो वैसा बोलना नहीं चाहता था, और कुछ दिन जाएगा तो ये जावेद मियांदाद यही लाइन पर आ जाएगा, मैं तो बोलना नहीं चाहता था। जैसे रमेश राजा का एक चेंज हुआ, जो महेश जो मतलब क्या बोले एक चोर जैसा वो हरकत करता था, लेकिन जब वो यूट्यूब से आ गया हाथ जोड़ लिया बीसीसीआई के सामने, भाई आपकी तारीफ करना है, आपसे पैसे लूटना है। तो इस तरह का हरकत ये पाकिस्तानी जो फॉर्मल क्रिकेटर ये करते हैं, ना कुछ तुम्हारी औकात है, ना तुमको कोई पूछता है, शोएब अख्तर तक को पूछते नहीं है, वो यूट्यूब चैनल खोल के बैठा है और कुछ उसका बिजनेस नहीं, तुझे कौन पूछेगा, और तुझे तो बोलना भी नहीं आता है इसलिए तेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं है। तो इस तरह का बेहुदा हरकत करके ये जावेद मियांदाद को मिलता क्या है? 2 दिन के लिए लोग तुझे गाली देंगे, ये गाली खाने के लिए ये इनको मतलब चूल मस्ती होती है।
एक मतलब ये है ना, जो भाभी जी घर पर एक बंदा था जो मेंटल बंदा, वो मार खाने से उसको अच्छा लगता है, वैसे ही पाकिस्तान जो फॉर्मर क्रिकेटर हो ना, उनको जो बयान देके गाली सुनने में इंडियन लोगों की बहुत ही मजा लेता है। तो दोस्तों इसी तरह का ये हरकत करता रहेगा, इसमें को, इसको कोई उसमें इसको ही बाहर में जाने दो, इसको पूछो ही मत। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, और जावेद मियांदाद की इस बयानत को लेकर जावेद मियांदाद को जितना आपको पेलना है कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, पेल दीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।